अभी हम लगा रहे हैं वैगनर के सीरीज के अंदर डोर वाइजर। देखो आपको इसको ना डोर वाइजर दिखाते हैं, इंजेक्शन मोल्डेड माल आता है ये, कुछ ऐसी क्वालिटी है इसमें। ऊपर वैगनर लिखा होता है, हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल डिफरेंट आता है ये, बहुत वैरायटी आती है ये, समझ लो आप 400-500 रुपए से लेके कम से कम 1000-1200 रुपए तक की बहुत सारी वैरायटी आती है इसके अंदर, सारा इंजेक्शन मोल्डेड माल है ये। लगाने का तरीका दिखाते हैं इसके अंदर एक, कि इसको अगर आप खुद से लगा रहे हो तो कैसे सबसे बढ़िया तरीके से लगाना चाहिए। देखो पहला काम तो यही है कि एक अच्छे से जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात जो आप देखें ना, ये टेप हमने पूरी नहीं निकाली इसकी, थोड़ी सी निकाल के इसको छोड़ दिया ऐसे कैसे। तो आपको इसको लगा के दिखाते हैं कि सही इसका तरीका लगाने का क्या है, कि जिससे ये ना उतरे। हल्की सी कोने की टेप जो है वो निकाल लेनी है, और आप ये बैंड इसमें देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ से है और ये ऐसे यहाँ से है, मतलब प्रॉपर है, बिल्कुल एक्यूरेसी से ये इसमें फिट आएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये बैंड के हिसाब से आपको मिला देना है यूं, और ये हल्की सी टेप उतार रखी है हमने, बाकी इसके ऊपर लगी हुई छोड़ रखी है इसके अंदर ही। ये इसलिए है क्योंकि देखो रोड पे लगा रहे हैं, या आप जैसे किसी भी जगह पे लगा रहे हो, मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मिट्टी के दाने हैं, अगर इसको पूरा उतार दिया तो वो इस पे आ जाएंगे, और ठीक से इसकी जो पकड़ है वो टेप की नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको अब हल्का हल्का आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचना है, यानी ये यहाँ से चिपकता रहेगा, और इसको ऐसे प्रेस करके यहाँ पे इस पे फिक्स कर देना है। नीचे इसके अंदर वो 3M वाली टेप लगी होती है, तो पकड़ तो उसकी वैसे ही बढ़िया होती है, बस खाली मिट्टी उसको थोड़ा सा कमजोर कर देती है। और गर्मी का मौसम है, जैसे दिन में आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लगती है ये। और इस तरीके से फिर बाद में इसको पूरा प्रेस करना है, ताकि ये अच्छे से इसमें पकड़ इसको कर ले। बस एक ही बार की होती है, आप अंदर से चेक कर सकते हैं यहाँ से, और फिटिंग इसकी एक्यूरेट आएगी अगर आपके पास प्रॉपर मॉडल गया है तो। बेनिफिट की अगर बात करें तो एक तो यही है कि देखिए लुक एकदम चेंज हो जाता है, लगते ही काफ़ी अलग दिखने लग जाता है। दूसरा जो है कि आप शीशा थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, अगर बारिश वारिश आ रही है तो अंदर जो मॉइस्चराइज आता है शीशे पे वो नहीं आएगा। अभी देखो पीछे वाला पीस इसमें लगा रहे हैं, सेम वही तरीका है पीछे वाला पीस लगाने का भी, यूं का यूं, और कुछ इस तरीके से ये इसमें मैच कर गया पूरा का पूरा, जो बैंड है इसमें जैसा ये है वैसा ये है, तो उस हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट कर लेना है आगे का और पीछे का, देख के कि कितना फर्क आ रहा है टोटल में। और यहाँ की हल्की सी टेप उतार के इसको फिक्स कर दिया, ये वाला एंगल हमने यूं का यूं इसके ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे आपको लगे कि इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ओके हो गई है, तो इसको ऐसे खींचते रहना है और इसको ऐसे दबाते रहना है यूं करके, और काफ़ी बढ़िया लुक तो होगा ही होगा, और इससे पकड़ भी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और अंदर की साइड से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कहीं से रुका हुआ तो नहीं है, मतलब ऐसा जगह अगर बची हुई हो तो, अभी जैसे अभी लगा है तो आप इसको जितना प्रेस करेंगे उतना ये और बेटर तरीके से इसमें चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसी आइटम जिसके ऊपर टेप होती है, यानी वो डोर वाइजर हो, डोर गार्ड हो, या साइड बिडिंग हो जो नीचे लगी हुई है, या कोई भी क्रोम आइटम हो, अगर हल्की हल्की टेप निकाल के लगाएंगे ना, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है टेप की वो काफ़ी बढ़िया बन जाती है, फिर उसके बाद ख़राब होने का कोई उसमें चांस नहीं रहता। और अच्छी एक बार पकड़ कर ली ना इसने, मान लो एक दिन इस पे अच्छे से निकल गया, तो फिर इसमें कुछ होने के लिए नहीं बचता है। आप देखिए इसमें एक्यूरेसी से बिल्कुल 100% ये पूरा का पूरा जो है वो चिपक गया है, और सारी गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल प्रॉपर आता है, तो किसी का किसी में नहीं लगता, वो भी मैटर नहीं है कि इसमें कोई फ़र्क आएगा। और फिटिंग आप इसकी देख ही सकते हैं, बात बेनिफिट की हम आपको बता ही चुके हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लुक काफ़ी अच्छा आता है, दूसरा थोड़ा सा आप शीशा इसका डाउन कर सकते हैं बारिश के मौसम में, तो अंदर जो है वो मॉइस्चराइज नहीं बनेगा, या तो ज़्यादा गर्मी के टाइम पे मान लो आप इसको खड़ा कर रहे हो, ज़्यादा धूप है तो हल्का सा डाउन करके खड़ा कर दिए, हवा जो है वो पास होती रहेगी, तो गाड़ी के अंदर एकदम से जो बहुत हीट बन जाती है ना वो नहीं बनेगी उससे। और लुक आप इसका देख ही सकते हैं, काफ़ी मस्त लगता है। ये दूसरी साइड से ऑलरेडी लगा चुके हैं, सेम तरीका वही है लगाने का, और फिटिंग आप इसकी भी देख ही सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ है। जिस भी गाड़ी का आप लेंगे उसका नाम यहाँ पे आता ही है 99% गाड़ियों में, या तो फिर प्लेन होगा, या तो जैसे कंपनी का नाम होगा, मान लो स्विफ्ट नहीं है तो इधर सुजुकी लिखा होगा, इधर स्विफ्ट लिखा होगा। ये टेप इसलिए लगी होती है ताकि इस पर स्क्रैच वगैरह ना आए पैकिंग के टाइम पर, और फिटिंग जो है वो एकदम एक्यूरेट इसकी आई गई है। बाकी किसी भी गाड़ी के अंदर आप इस तरीके से कोई भी क्रोम आइटम हो, कोई भी चिपकाने वाले आइटम हो, जिसके अंदर साइड बिडिंग हो गई, डोर वाइजर हो गए, डोर गार्ड हो गए, बम्पर कॉर्नर हो गए, अगर इस तरीके से लगाएंगे ना तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और उतरने का कोई इसमें चांस नहीं बचता। फिर एक बार लग गया तो फिर लग ही गया। इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।